हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीट डिजाइंस। आज मैं आपको दिखाऊंगी स्वीट हार्ट नेक की कटिंग, वो भी बुकरम के ऊपर, बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाली थी बोट नेक की कटिंग की, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप स्वीट हार्ट नेक भी कट करना बताइए। तो आज मैं वही वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने नेक कट करने के लिए बुकरम ली है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। लगभग ये 10 से 11 इंच चौड़ी बुकरम है, लगभग 10 इंच चौड़ी है मेरे पास ये बुकरम। तो मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करके इसको रखूंगी और जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखूंगी, ओपन वाली साइड ऐसे उधर की तरफ रखूंगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बुकरम सीधी होनी चाहिए। तो अब हम यहां से बंद वाली साइड मैं अपनी तरफ ले रही हूं। तो नॉर्मली हमारा जो नेक होता है वो 6 इंच ब्रॉड होता है, तो मैं यहां से 3 इंच लूंगी, 3, क्योंकि ये डबल फोल्ड करके रखा है तो 6 इंच हमारा ब्रॉड आ ही जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज्यादा, लेकिन जो नॉर्मली नेक की ब्रॉड होती है वो 6 इंच ही होता है। जो नॉर्मली स्वीट हार्ट नेक ब्रॉड होता है वो 6 इंच ही होता है, ज्यादा नहीं होता। अगर आप लेना चाहते हो ज्यादा बड़ा तो आप उसको लेंथ थोड़ी कम कर सकते हो, चौड़ाई अगर ज्यादा लेंगे तो लेंथ कम कर लीजिए। तो अब हम यहां से लेंथ लेंगे, लगभग हमें चाहिए 8 इंच। तो ऐसे हम यहां से भी मेजर कर लेते हैं, क्योंकि हमने 6 इंच ब्रॉड लिया है तो यहां पर मार्क करके हम यहां से भी मार्क करेंगे ना, 8.5 लेंगे तो 8 हमारा रेडी आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे करेंगे तो 8.5 आएगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये 8 इंच पे हमारा मार्क आ रहा है सीधे में। तो अब हम बिल्कुल अपनी मार्किंग को बिल्कुल बराबर ऐसे मार्क कर लेंगे इस तरीके से 8 इंच पे। तो उसके बाद फिर से चौड़ाई भी हमें बिल्कुल सीधी मार्क करनी है। यहां से लगभग हम 2.5 या 3 इंच आप ऊपर से ले सकते हैं नीचे से, इस तरीके से जो स्वीट हार्ट नेक होता है वो ऐसे होता है, 3 या 2.5 इंच आप ऐसे ले सकते हैं नीचे से, 3 या 2.5 या 3 इंच इस तरीके से। ये देखिए मेरा 3 इंच आया है और ऊपर हमारे पास ये है 5 इंच। तो इससे हमारी जो स्वीट हार्ट नेक की शेप है बहुत ही अच्छी आती है। अब हमने क्या करना है, बाहर से जो बुकरम कट करनी है वो लगभग 1/4 इंच की होती है। तो ऐसे आप 1/4 इंच इंची टेप को रख के ऐसे मार्क करते जाइए बिल्कुल बराबर 1/4 इंच पे ही। तो ऐसे हम बाहर की तरफ से भी अच्छे से मार्क कर लेंगे, बिल्कुल सीधा मार्क कर देंगे इसको स्केल की मदद से ऐसे। तो ये देखिए हमारे ये जो स्वीट हार्ट नेक है ऐसे आ जाएगा। तो अब हम अपनी मार्किंग की साथ साथ इसको कट कर लेंगे। पहले हम अंदर की तरफ से कट कर लेते हैं। कटिंग करते वक्त आपकी बुकरम जो है वो इधर से हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो नेक है उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो जो स्वीट हार्ट नेक की आप भी इसी तरीके से रेशियो लें, या 5:3, जैसे नीचे से मैंने 3 इंच लिया और ऊपर से 5 इंच, आप भी इसी तरीके से लें, या नीचे से आप 2.5 भी कर सकते हैं, ऊपर से 5.5 भी कर सकते हैं। ऐसे आपकी स्वीट हार्ट नेक की जो शेप है बहुत ही अच्छी आती है। तो अब ये जो हमारा स्वीट हार्ट नेक है वो ऐसे आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे आप अपना स्वीट हार्ट नेक आसानी से बुकरम पे ही कट कर सकते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप इसको लेस के साथ, पाइपिंग के साथ, कैसे भी आप अपने नेक को रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीत डिज़ाइंस। थैंक यू।